आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। आपने कभी सोचा हम मुसलमान जानवरों को छुरी से ज़िबह क्यों करते हैं और उनकी गर्दन आदि क्यों काटते हैं? और अगर डिब्बा ही खाली होगा तो फिर गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? ये क्रिएटिव नहीं होते, लिहाजा ये आज तक कोई चीज इजाद नहीं कर सके। दुनिया में तीन चीजें अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई हद नहीं। दो कुदरत ने बनाई है और एक हमने खुद इजाद की। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। आपने कभी सोचा हम मुसलमान जानवरों को छुरी से ज़िबह क्यों करते हैं और उनकी गर्दन आदि क्यों काटते हैं? हम जानवरों को बिजली का झटका देकर भी मार सकते हैं या फिर एक ही बार तलवार या आरे से उनकी पूरी गर्दन भी काट सकते हैं, सर अलग और धड़ अलग। ये जानवर को पकड़ने, उसको लटाने, उसकी आधी गर्दन काटने और फिर उसे तड़पने के लिए जमीन पर छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान और यहूदी हलाल जानवरों को आधी गर्दन काटकर ज़िबह करते हैं। हम मुसलमान इसीलिए यहूदियों का ज़िबह किया हुआ गोश्त खा सकते हैं, लेकिन यहूदियों की रवायत और हमारी मुसलमानों की रवायत में एक फर्क है। यहूदी जानवर का सिर्फ बालाई हिस्सा खाते हैं, ये नीचे वाले हिस्से का गोश्त जाया कर देते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए पूरा जानवर हलाल होता है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूं। मेरा सवाल था हम जानवर को झटका देकर क्यों नहीं मारते, गर्दन क्यों काटते हैं? इसकी वजह खून है। जानदारों की सारी बीमारियां इनके खून में होती हैं, लिहाजा मुसलमान और यहूदी गोश्त काटने से पहले जानवर का सारा खून उसके जिस्म से ड्रेन आउट करते हैं और अगर ये ना करें तो जानवर की बीमारियां इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि हम आधी गर्दन क्यों काटते हैं, एक ही बार सारी गर्दन काटकर अलग क्यों नहीं कर देते? मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा अगला अर्तुगरुल टूर 16 दिसंबर को टर्की जाएगा। आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर उसकी अनाउंसमेंट नजर आ रही है, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और इसके ऊपर जो नंबर दर्ज हैं आप इन नंबरों पर हमसे रब्ता कर। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। यहां से हमारा असल टॉपिक याददाश्त शुरू होता है। दुनिया के तमाम जानदारों की गर्दन से दो मेन पाइप्स गुजरते हैं। एक पाइप शारक कहलाता है। यह पाइप जिस्म का पूरा खून दिमाग और दिमाग से जिस्म में सर्कुलेट करता है। दूसरा पाइप मेन नर्व होता है। हमारे दिमाग का पूरा सर्किट एक बड़ी तार के जरिए दिमाग से रीढ़ की हड्डी में आता है। रीढ़ की हड्डी से छोटी छोटी तारें निकलती हैं और ये तारें पूरे जिस्म का सिस्टम चलाती हैं। दिमाग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, सिग्नल मेन नर्व से होता हुआ नर्वस सिस्टम की छोटी छोटी तारों में आता है और ये तारें दिमाग का सिग्नल पूरे जिस्म में फैला देती हैं और यूं जानदार यानी हम और जानवर दोनों रिएक्ट करते हैं। हम जानदारों की मेन नर्व हमारे दिल को भी कंट्रोल करती है, लिहाजा हम जानवरों की सिर्फ शारक काटते हैं, उनकी मेन नर्व कटआउट नहीं करते। चूंकि इनका दिमाग दिल को पैगाम देता रहता है और दिल मुसलसल धड़कता रहता है, इसकी वजह से खून पंप होता रहता है और ये शारक से बाहर निकलता रहता है। हम अगर जानवर की पूरी गर्दन काट देंगे तो शारक के साथ उसका नर्वस सिस्टम भी कट जाएगा, जिसके बाद दिल बंद हो जाएगा और जिस्म का खून अंदर रह जाएगा और यूं जानवर का गोश्त बीमार होगा और यह खाने के बाद हमें भी बीमार कर देगा। जानवरों की तरह हम इंसानों के जिस्म में भी दो चीजें अहम होती हैं, खून और नर्वस सिस्टम। हमारी याददाश्त हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। जानदारों का नर्वस सिस्टम जितना स्ट्रांग, जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और हमारी मेमोरी का सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम है, याददाश्त का डिब्बा और इस डिब्बे में मौजूद इंफॉर्मेशन को जिस्म में पहुंचाने वाली तारें। हमारे नर्व्स भी बहुत अहम हैं, लेकिन डिब्बा इनसे ज्यादा अहम है। हम पहले इस डिब्बे को डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर डिब्बे में कुछ होगा तो ये तारों के जरिए जिस्म और फिर जिस्म से पूरी दुनिया में जाएगा और अगर डिब्बा ही खाली होगा तो फिर गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या?
मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि हम इंसानों और जानवरों में एक फर्क है। इनका नर्वस सिस्टम सिर्फ जिस्म को चलाता है, ये सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी हंगर, सर्वाइवल और सेक्स तक महदूद होते हैं, जबकि इंसान के नर्वस सिस्टम में क्रिएटिविटी होती है। इंसान अपनी क्रिएटिविटी के जरिए अपने माहौल से लेकर पूरी दुनिया की हर चीज को बदल सकता है। हमारी जिंदगी में जितनी खूबसूरतियां हैं, जितनी अचीवमेंट्स हैं, ये सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी का इनाम है। आप देख लें, हमारे अलावा दुनिया का कोई जानवर आज तक कोई गाड़ी, कोई जहाज, कोई मकान, कोई सड़क और कोई अस्पताल नहीं बना सका, जबकि इंसान ने पूरी जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि हम क्रिएटिव हैं। अब सवाल यह कि क्रिएटिविटी किस चीज पर बेस करती है? यह हमारी मेमोरी यानी याददाश्त पर बेस करती है। जानवरों की मेमोरी नहीं होती, लिहाजा ये क्रिएटिव नहीं होते। ये क्रिएटिव नहीं होते, लिहाजा ये आज तक कोई चीज इजाद नहीं कर सके। दुनिया की पहली भैंस, पहली बिल्ली और पहले चीते और आखिरी चीते, आखिरी बिल्ली और आखिरी भैंस के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिव नहीं है। और ये क्रिएटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास याददाश्त का खजाना नहीं है, जबकि हमारे पास याददाश्त का खजाना है, लिहाजा हमने हर चीज बदल कर रख दी। अब सवाल यह है कि याददाश्त या मेमोरी है क्या? मेमोरी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की सलाहियत को कहते हैं। हम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर लेंगे, हमारी मेमोरी उतनी ही अच्छी होगी, और जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी, हम उतने ही क्रिएटिव होंगे। मैं आपको यहां यह भी बताता चलूं कि दुनिया में तीन चीजें अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई हद नहीं। दो कुदरत ने बनाई हैं और एक हमने खुद ईजाद की। कुदरत की बनाई अनलिमिटेड चीजें कायनात और इंसानी दिमाग है, और हमने कौन सी अनलिमिटेड चीज बनाई है? हम उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की भी कोई लिमिट नहीं है, आप इसकी लिमिट जितनी चाहे बढ़ा लें, ये बढ़ जाएगी। अब सवाल ये कि क्या हम अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं और कितनी बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब हां है। हम याददाश्त को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। कुदरत ने हमें यह सलाहियत अनलिमिटेड दी है, लेकिन हम जब तक मेमोरी का सिस्टम नहीं समझेंगे, हम उस वक्त तक अपनी याददाश्त बढ़ाने का तरीका नहीं सीख सकेंगे। और मैं आपको याददाश्त का पूरा सिस्टम सिखाऊंगा, लेकिन उस तरफ जाने से पहले आपको हमारी अगली वीडियो मुलाहजा करनी होगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह ताला किसी न किसी का माइंड और किस्मत दोनों बदल देगी।